मैं हूँ सना बल्लाड़, आप देख रहे हैं सनास किचन। आज मैं आप सबके लिए चिकन फजीता सैंडविच की रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी आप 15 मिनट में बना सकते हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सैंडविच आपको और आपके घर वालों को यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल का डाल लिए हैं। चिकन मैं 500 ग्राम ले रही हूँ, 500 ग्राम। आप जितने सैंडविच बनाना चाहें उस हिसाब से चिकन ले सकते हैं। चिकन को मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का जो पानी होगा वो खुश्क हो जाए। इसको अच्छा सा ब्राउन कर लेते हैं। जी तो ये देखिए चिकन वाइट कलर का हो गया है और जो इसका पानी है इसको अब हम मीडियम आग पर सुखा लेंगे। इसके अंदर हम कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन ने खुद ही अपना पानी छोड़ता है तो ये चिकन उसी में गल जाता है। मीडियम आग पर पानी को सुखा लेंगे और फिर इसके अंदर मैंने आधा चम्मच जिंजर पाउडर और आधा चम्मच गार्लिक पाउडर का डाला है। आप चाहें तो लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर पाउडर डाल रही हूँ। ये पाउडर डालने के बाद हल्का सा चम्मच लगा लें। इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और 1 छोटे साइज़ का प्याज काट के डाल लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर या कोई और वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो भी शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इतना फ्राई करेंगे कि वेजिटेबल्स और चिकन अच्छे से मिक्स हो जाएं, लेकिन हमने वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है, 1 छोटा चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आधा चम्मच लाल दादरी मिर्च डाल लेंगे। इसके अंदर हम 2 चम्मच सोया सॉस का डाल लेंगे और 1 चम्मच हम चिली सॉस का डाल लेंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चिकन जिस हिसाब से ले रहे हैं उस तरह से आप नमक मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स ऐड नहीं करना चाहते तो आप हली चिकन के भी फजीता सैंडविच बना सकते हैं। इन्हीं वेजिटेबल्स डालने से सैंडविच में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और ये सब स्पाइसेस जब हमने मिक्स कर ली थी तो इसमें से बहुत अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आने लगी थी। अब हम वेजिटेबल्स और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर 3 खाने के चम्मच केचप की शामिल कर लेंगे। आग इस स्टेज पर मैंने हल्की कर ली थी क्योंकि हमने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था तो इस वजह से चिकन जल भी सकता था, इसलिए अब इसको हल्की आग पर बना लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको हल्की आग पर पकाने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे और हमारा चिकन रेडी है। अब हम अपने सैंडविच तैयार कर लेते हैं। ब्रेड के एक साइड पर बटर लगा लें। बटर लगाने का फ़ायदा यह होगा कि सैंडविच बहुत क्रिस्पी बन जाएंगे। आप चाहें तो इन सैंडविचेस को ग्रिल भी कर सकते हैं। सैंडविच रेडी करते हुए आपने चूल्हा बहुत ही हल्का रखना है क्योंकि इस तरह से ब्रेड हमारी जल जाएगी। हमने सिर्फ इसको क्रिस्पी करना है और चीज़ मेल्ट करनी है और हमारे सैंडविच रेडी हो जाएंगे। आग हम बहुत हल्की रखेंगे और ये देखिए इस पर कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस सैंडविच को प्रेस कर देते हैं ताकि जो सैंडविच का नीचे वाला हिस्सा है उस पर भी प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए।
जी द सैंडविच रेडी हैं। ये सैंडविच बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। आप किसी पार्टी या पिकनिक के लिए ये सैंडविच स्नैक्स के तौर पर लेके जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप ये सैंडविच एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके रिव्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।